हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है गट्टे बनाने की। गट्टे हम बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को बड़े बाउल में डाल लेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डाल लेंगे और ये मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। धनिया को हल्का सा क्रश कर लेंगे। धनिया से गट्टे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने एक चम्मच धनिया लिया है। एक चम्मच मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ली है और ये मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसमें जीरा डाल लेंगे। हम बिल्कुल मार्केट जैसे गट्टे बना रहे हैं। और ये आधा चम्मच हम इसमें गर्म मसाला डाल लेंगे। दो चम्मच इसमें ऑयल के डाल लेंगे। ऑयल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम गट्टे बनाएंगे, बिल्कुल मसालेदार मार्केट जैसे गट्टे बनेंगे। सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें इसका डो बनाना है। हम इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पतला हो सकता है। गट्टे के लिए डो हमें बिल्कुल सख्त बनाना है। अगर ये डो थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला लेना। और ये डो को हमने समेट लिया है। गट्टे के लिए डो बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे जिससे कि अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। और ये डो को रखे हुए 10 मिनट हो गई है। हम इसे हल्का सा और नीड कर लेंगे। अब हम सारे डो की बड़ी सी लोई बना लेंगे। तो हम गट्टे बना रहे हैं। गट्टे बनाने के लिए हम चकले पर ऑयल लगा लेंगे जिससे कि गट्टे इस पर चिपके ना। बड़ी सी लोई को चकले के ऊपर रख लेंगे। हल्का से इसे हाथ से फ्लैट बना लेंगे। अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे। हमें इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, रोटी जितना ही हमें इसे बेलना है। और ये देखिए, मैंने इसे रोटी जितना बेल लिया है। अब हम नाइफ लेंगे और नाइफ से गट्टे की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए नाइफ से इजीली इसकी कटिंग हो रही है। इनकी कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये सारे गट्टों की हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए सारे पीसेज को हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से सारे पीसेज अलग हो जाएंगे। और ये देखिए सारे पीसेज अलग अलग हो गए हैं। गट्टे कितनी अच्छी शेप आई है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और इन्हें फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम कर लिया है। सारे गट्टे को इसमें डाल देंगे। एक एक करके हम पीसेज को डाल लेंगे। 30 सेकंड बाद हम इन्हें पलटना शुरू कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अंदर से भी पक जाए। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालते हुए छलनी को हल्का सा पटक लेंगे जिससे कि सारा इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। सारे गट्टों को हमने फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा इनका कलर आया है। बिल्कुल मार्केट के जैसे गट्टे बनकर तैयार हुए हैं। अब हमें सब्जी में तड़का लगाना है। सब्जी की ग्रेवी बनानी है। और ये सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें हम कटे हुए प्याज डाल लेंगे। मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, उनको लंबा सा काट लिया है। और ये मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली हैं। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है। इनको भी हमें इसमें डाल लेना है। अब हमें लाल करना है। हमें लगातार चलाते हुए लाल करना है।
और ये देखिए लाल हो गए हैं। हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से लाल हो जाए। और ये देखिए लाल हो गए हैं। अब हम इसमें मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल लेंगे। मैंने ये चार टमाटर लिए हैं, इनको मीडियम साइज़ का काट लिया है। इन्हें हम थोड़ी देर चलाते हुए पकाना है। एक कप हम इसमें पानी डाल लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी देर हम इसे ढककर पका लेंगे। और ये 2 मिनट इसे पकाते हुए हो गए हैं, टमाटर पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। इस पेस्ट को हमें वापस उसी कढ़ाई में डाल लेना है। और ये 1 गिलास में इसमें पानी भी डाल रही हूँ। पानी आप इसमें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। पानी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच में हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और ये मैं इसमें आधा चम्मच और कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच में इसमें कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल लेंगे, 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल लेंगे। इन्हें भी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी देर हम इसे ढककर पका लेंगे जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। और इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है। तो अब हमने जो गट्टे तैयार किए उन्हें इसमें डाल लेंगे। ग्रेवी में अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे जिसे कि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और ये देखिए इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गई है। गट्टे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए होंगे। इसमें गट्टे डालने के बाद इसे 5 मिनट तक पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे 5 मिनट तक नहीं पकाएंगे तो गट्टे सख्त रह जाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। गैस को हमें ऑफ कर देना है। गरम मसाले को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। आप देख रहे हैं सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। तो अभी सब्जी बनकर तैयार नहीं है। अब हम इसमें लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। और ये तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल लेंगे, 1 बड़ी इलायची डाल लेंगे, 2 लौंग डाल लेंगे, 2 काली मिर्च डाल लेंगे, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल लेंगे। हमें जीरे को, इन सभी चीज़ों को लाल करना है। और ये 3 में इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 इसमें गरम पत्ता डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है। और ये देखिए तड़का लाल हो गया है, जीरा भी लाल हो गया है। अब हम इसे सब्जी में डाल लेंगे। गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और ये देखिए गट्टा मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से गट्टे की सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's caught in the crossfire.
trust fund.